Hello everyone, in today's video we are going to discuss what is communication, types, process and barriers of communication. So let's proceed. So सबसे पहले discuss करते हैं कि what is communication. अब अगर हम modern society में बात करें तो हम लोग बहुत freely जो है वो communication के term use कर लेते हैं और उसको describe करते हैं, लेकिन जो communication experts हैं वो खुद एक single definition के ऊपर जो है वो agree नहीं करते. कुछ ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं सिंबल्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, जेस्टर्स के थ्रू या दूसरे एक्शंस के थ्रू. कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इट्स अ ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स, फीलिंग्स एंड मीनिंग्स. सो अगर हम इन दोनों डेफिनेशंस को जो है ना वो कंसीडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है ना वो हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक या फिर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक किसी भी मीन के थ्रू. या सिंपली अगर मैं इसको कहूँ सो ये हमारे पास हो सकता है गिविंग, रिसीविंग या शेयरिंग ऑफ आइडियाज, नॉलेज, फीलिंग्स, ओपिनियंस किसी भी मीन के थ्रू, जैसे कि स्पीच है, राइटिंग है, साइंस है, सिंबल्स हैं. ठीक है, सो कम्युनिकेशन एक सिंपली हमारे पास अगर हमने सारी डेफिनेशन को अगर हम कंसीडर करें तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है, गिविंग है, रिसीविंग है, शेयरिंग है आइडियाज़ की, नॉलेज की, ओपिनियंस की, सिंपल हमारे जो कॉन्वर्सेशन है, फीलिंग्स हैं, ओपिनियंस हैं किसी भी मीन के थ्रू, जैसे कि स्पीच है, राइटिंग है, सिंबल्स हैं या फिर साइंस हैं. अब हम बात करते हैं जी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. जब भी हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक डायनेमिक प्रोसेस है, एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इसके जो स्टेप्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. इंटरेक्शन सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास सेंडर. अब सेंडर वो पर्सन होता है जो कि कम्युनिकेशन को, कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करता है. अब सेंडर जो होता है उसके पास मैसेज होता है जो उसने कन्वे करना होता है. अब सेंडर हमारे पास इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है. तो सेंडर क्या करता है, वो मैसेज को फॉर्मुलेट करता है, क्रिएट करता है और वहाँ से जो है हमारे पास कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है, वो जो है हमारे पास स्टार्ट होता है. फिर इसके बाद आता है हमारे पास इनकोडिंग. अब इनकोडिंग क्या होता है, इनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने मैसेज को कन्वर्ट करते हैं किसी भी सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर ताकि वो हमारे जो रिसीवर है उस तक ट्रांसमिट हो सके. इनकोडिंग क्या होता है, सिंपली हमारे मैसेज को हम एक सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा जो मैसेज है वो रिसीवर तक जा सके. अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो सकती है, हमारे वर्ड्स हो सकते हैं, हमारे जेस्टर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कह लो कि कोई रिटन फॉर्म हो सकती है, इट डिपेंड्स. सो इनकोडिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपने मैसेज को एक सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि रिसीवर तक जो है वो मैसेज ट्रांसमिट हो सके. अब सेंडर जो है वो वर्ड्स को सिलेक्ट करता है, जेस्टर्स को करता है, जैसे कि मैंने जो अपना ये लेक्चर देना है तो मैंने वर्ड्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया है, सही. सो वर्ड्स हो सकते हैं, जेस्टर्स हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं या एनी मीन्स टू कन्वे द इंटेंडेड मैसेज इफेक्टिवली, मतलब जो आपने मैसेज पहुंचाना है उसके लिए आप कोई भी मीन जो है वो चूज कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है जी मैसेज. अब मैसेज क्या होता है, मैसेज हमारे पास इंफॉर्मेशन है या वो आइडिया है या वो कंटेंट है जो कि सेंडर ने कम्युनिकेट करना है, जो कि सेंडर ने क्या करना है उसको भेजना है. सो ये हमारे पास वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है या फिर इन सब की कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. सो अब यहाँ पर ये होता है कि मैसेज जो है हमारे पास उसको क्लियर होना चाहिए, उसको ब्रीफ होना चाहिए, मतलब कंसाइज होना चाहिए. इसके अलावा यह है कि जो मैसेज होना चाहिए वो रेलिवेंट होना चाहिए ताकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना वो कंटिन्यू हो सके. उसके बाद हमारे पास आता है चैनल. अब चैनल हमारे पास होता है वो मीडियम जिसके थ्रू जो है वो हमारे पास सेंडर से रिसीवर तक जो है वो मैसेज जाना है. अब जैसे कि हमारे पास इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकती है, इसमें फोन कॉल्स हो सकती हैं, इसमें ईमेल्स हो सकती हैं, जैसे कि आप और मैं जो हम लोग मेरा लेक्चर आप सुन रहे हैं, हमारे दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो यूट्यूब के थ्रू हो रही है,
ठीक है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, सो कोई भी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है। सो चैनल वो मीडियम होता है जिसके थ्रू सेंडर से रिसीवर तक जो है वो मैसेज जाता है। अब रिसीवर वो पर्सन होता है जो कि सेंडर के मैसेज को रिसीव करता है। सो रिसीवर का काम क्या होता है कि जो मैसेज उसने सेंडर ने भेजा है उसको इंटरप्रेट करता है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारे पास आता है डिकोडिंग। अब डिकोडिंग जो है ना वो हम रिसीवर से पहले भी ऐड कर सकते हैं। सो डिकोडिंग हमारे पास क्या होता है, डिकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सेंडर के भेजे हुए मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं, उसको डिकोड करते हैं। इनकोडिंग हमारे पास करता है सेंडर और डिकोडिंग करता है हमारे पास रिसीवर। डिकोडिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम सेंडर के भेजे हुए मैसेज को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फीडबैक। अब फीडबैक जो है ना वो एक बड़ा असेंशियल कॉम्पोनेंट है अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो चाह रहे हैं। अब इसमें ये हो सकता है कि हम फॉर एग्जांपल आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपको इन केस मेरी बात की समझ नहीं आती तो आप मुझे रोकते हैं, पूछते हैं कि आपने क्या कहा है, ठीक है, या आप मुझसे जो है ना वो रीअश्योर करवाते हैं कि अच्छा आपने ये बात की है, डैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। इससे क्या होता है कि जब हमारी जो है वो कॉन्वर्सेशन के अंदर क्लैरिटी आती है और ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना वो होती है। तो फीडबैक जो है ना बहुत असेंशियल जो है वो कंपोनेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। इसमें हमारे पास क्या इन्वॉल्व होता है, रिस्पॉन्स हो सकता है या फिर रिएक्शन हो सकता है ऑफ द रिसीवर टू द मैसेज। अब नॉइस जो है ना वो ऐसा डायरेक्ट जो है वो स्टेप नहीं आता प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, लेकिन हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब नॉइस क्या हो सकता है, सो नॉइस हमारे पास किसी भी तरह की इंटरफेरेंस हो सकती है, किसी भी तरह की रुकावट या बैरियर हो सकता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं या डिस्टॉर्ट होती है। अब इसमें हमारे पास हो सकता है कि आप दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हो और पीछे शोर की वजह से जो है ना वो आपको दूसरे की बात समझ ना आए, ये हो सकता है, या फिर हमारे लैंग्वेज बैरियर की वजह से कि मेरी लैंग्वेज जो है ना वो आपको समझ ना आए, ये हो सकता है। इसके अलावा यह कि हो सकता है कि हम बात कर रहे हो लेकिन आपकी एक प्री कंसीव्ड एक आपका आपने नोशन बनाई हो, आप एक प्री कंसीव्ड आपका एक आइडिया हो, सो इसकी वजह से जो है ना वो हमारे पास कम्युनिकेशन जो है ना वो डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंट हो सकता है या सिचुएशन हो सकती है जिसमें कम्युनिकेशन अक्कर होती है। अब कॉन्टेक्स्ट जब हमारे पास क्लियर होता है तो हम मैसेज को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, अच्छे तरीके से कम्प्रीहेंड कर पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट फॉर एग्जांपल दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, सो उनका जो पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होगा कि वो किस वजह से तो जो है वो आपस में बात कर रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। अब फीडबैक लूप जो है ना वो हमारे पास एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। लूप का मतलब ये है कि हमारे पास एक जो है ना वो बार बार एक चीज़ जो है ना वो चलना, मतलब एक ऑन गोइंग प्रोसेस होना कि अगर आप दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा से जो है ना वहाँ पर रोक सकते हैं, दोबारा से रीअश्योर कर सकते हैं, दोबारा से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो फीडबैक लूप जो है ना वो हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो सबसे पहले हमारे पास आता है वन वे कम्युनिकेशन। अब वन वे कम्युनिकेशन हमारे पास ये होता है कि सेंडर जो है ना वो रिसीवर तक मैसेज को भेजता है, मे बी इन्फॉर्म करने के लिए या फिर कन्विंस करने के लिए, परसुएड करने के लिए या फिर कमांड के लिए। इसमें हमारे पास फीडबैक नहीं होता। अक्सर आपने ईमेल्स देखी होंगी कि आप जो है ना उसको रिप्लाई नहीं कर पाते, उसमें जो है ना आप रिप्लाई नहीं उनको कर सकते। सो ये इस तरह की जो हमारे पास कम्युनिकेशंस होती हैं डेट इज़ कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन, कि आपको मे बी किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है या फिर आपको परसुएड किया जाता है या फिर आपको कमांड दी जाती है। हमारे पास आता है टू वे कम्युनिकेशन। अब टू वे कम्युनिकेशन हमारे पास जो सिंपल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, अब सेंडर और रिसीवर जो है एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसमें फीडबैक शामिल होता है, सो इसमें ग्रुप डिस्कशंस वगैरह ये सारी जो हमारे पास इसमें टू वे कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। है वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यूज ऑफ वर्ड्स एंड साउंड्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो जब आप वर्ड्स का एंड साउंड्स का यूज कर रहे हैं, स्पोकन लैंग्वेज जो है ना उसकी प्रोडक्शन हो रही है अपने मैसेज को जो है वो सेंड करने के लिए, अपनी जो है ना वो मैसेज को कन्वे करने के लिए, डैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन।
वन ऑन वन डिस्कशन जो होती है, इंटरव्यूज होते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, किसमें भी आप साउंड्स का और वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। बाद हमारे पास आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डेट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू द वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग अब यहाँ पर साउंड्स और वर्ड्स का यूज नहीं करते, हम बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट हो गया, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, जेस्टर्स हो गए। सो ये सारे हमारे पास आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। मे बी अगर आपसे कोई, जैसे नोडिंग हम करते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि समझ आई है, तो आप अगर आगे से सिर्फ सर हिला दें हाँ के लिए, तो वो हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। विजुअल कम्युनिकेशन, अब विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसा टाइप है जिसमें एक मैसेज जो है ना वो हम सिम्बल्स के थ्रू जो है ना वो कन्वे करते हैं, सिम्बल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ से पता लग रहा है कि हमने बास्केट के अंदर जो है ना वो कूड़ा फेंकना है। सो ये सारे जैसे कि ट्रैफिक सिम्बल्स है हमारे, सो ये सब हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। देन हमारे पास आता है टेली कम्युनिकेशन। अब टेली कम्युनिकेशन को हम टेलीकॉम भी कहते हैं। इसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं ओवर द सिग्निफिकेंट डिस्टेंसेज, मतलब एक लंबे फासले से जो है ना वो हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट वगैरह हो गया। सो इसको हम लोग कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। इसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं सिग्निफिकेंट डिस्टेंसेज के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, जैसे कि अभी इंटरनेट के थ्रू हम मैं यूट्यूब यूज़ कर रही हूँ इंटरनेट के थ्रू, और आप तक जो है वो मैसेज, मेरे लेक्चर जो आएगा, सो दिस विल बी द टेली कम्युनिकेशन। सो नाउ वी विल डिस्कस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बैरियर जो है वो हमारे पास कोई ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है, कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो, हमारी कॉन्वर्सेशन जो है वो इफेक्टिव ना हो सके, किसी तरह की इंटरफेरेंस हो सकती है, ठीक है, किसी तरह का जो है वो डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर जो है वो ऐसे बैरियर्स हो सकते हैं जिसमें हम किसी फिजिकल चीज़ की वजह से जो है वो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो, जैसा कि हो सकता है कि फॉल्टी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि मोबाइल का मसला हो, या फिर ज्योग्राफिकल डिफरेंस हो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सही। इसके अलावा ये हो सकता है कि क्लोज डोर्स हो, या फिर कैबिन जो है वो क्लोज हो, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है ना वो प्रोसेस वो डिस्टर्ब हो। सो फिजिकली किसी चीज़ की वजह से जब कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगी तो दिस इज़ कॉल्ड फिजिकल बैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और बाहर से कोई जो है ना वो गाड़ी गुजरे, या फिर बाहर से कोई अचानक से शोर आए और कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाए, तो डैट इज़ कॉल्ड फिजिकल बैरियर। सेकेंड हमारे पास है साइकोलॉजिकल बैरियर। अब किसी पर्सन की साइकोलॉजिकल और इमोशनल सिचुएशन की जो है वो भी हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट कर सकती है। सो इस वजह से ये एसेंशियल है कि जो सेंडर और रिसीवर दोनों जो हैं वो मेंटली फिट हों जब वो कम्युनिकेट कर रहे हों। स्पीच डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर आप दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक पर्सन डिप्रेशन के अंदर है, तो वो आपकी बात उस तरह से मे बी जो है वो ना समझ पाई, उस तरह से आपको रिस्पॉन्स ना करे, किसी तरह का फोबिया हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर इंटरफेरेंस आ सकती है, बैरियर आ सकता है। देन हमारे पास आता है जी लैंग्वेज बैरियर्स। अब लैंग्वेज बैरियर जो है ना वो हमारे पास सबसे मेन बैरियर है कम्युनिकेशन बैरियर्स के अंदर। अब हमारे पास लैंग्वेज बैरियर तब आता है कि जब लोग जो है वो दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्किल्स होती हैं। इसके अलावा अगर आप वर्ड्स को इनअप्रोप्रिएट यूज़ कर रहे हैं, या फिर एक वर्ड के लिहाज से जो है वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर आता है। अगर हम जागन्स की बात करें, अगर मेडिकल टर्म्स की बात करें, मेडिकल टर्म्स को सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड पर्सन ही जो है वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो अगर हम लेमैन के सामने उन टर्म्स को यूज़ करें तो वो उस तरह से नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा उन टर्म्स को। सो वो हमारे पास उसकी वजह से एक लैंग्वेज बैरियर जो है वो आ जाता है। हमारे पास आता है कल्चरल बैरियर्स। अब देखें, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट बिलीव्स हैं, डिफरेंट परसेप्शंस हैं। जैसे कि अगर ड्रेसिंग की बात करें, कहीं पर वाइट कलर जो है ना वो वेडिंग पर पहना जाता है और कहीं पर वाइट कलर फॉर द डेथ पहना जाता है। सो इसी तरह से कहीं पर जो है वो रेड जो है ना वो डर की लामत है, कहीं पर रेड जो है वो लव का साइन है। सो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ और डिफरेंट परसेप्शंस हैं। सो इस वजह से जब हम कम्युनिकेट कर रहे हों तो हमें एक दूसरे के कल्चरल जो इंडिफरेंसेस हैं उनको जो है वो कंसीडर करना चाहिए,
ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो अकर हो सके। देन लास्ट हमारे पास आता है एटीट्यूडनल बैरियर्स। अब एटीट्यूडनल बैरियर्स हमारे पास हमारे बिहेवियर की वजह से या फिर हमारी परसेप्शन की वजह से जो है ना वो अराइज होते हैं, इसकी वजह से दो लोग जो हैं या ग्रुप्स जो हैं वो आपस में इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अब ये एटीट्यूडनल जो बैरियर्स हैं वो हमारे पास पर्सनैलिटी क्लैशेस की वजह से हो सकते हैं, दो लोगों के दरमियान या दो ग्रुप्स के दरमियान जो है वो पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं या डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, या फिर पुअर मैनेजमेंट की वजह से। इसके अलावा हो सकता है कि दो लोगों के दरमियान एक पर्सन जो है वो बिल्कुल ही चेंज ना होना चाह रहा हो या लैक ऑफ मोटिवेशन हो। सो बेसिकली हमारे बिहेवियर की वजह से जब कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है, डैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूडनल बैरियर्स।